ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸਨੇ 4 ਜੱਫੇ ਪਾਏ ਸੀ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਫਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਇਟਲੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਪੰਮਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨੰਬਰ ਲਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ जोधा इटली वालों रेड दे उत्ते आज ताजा टच किया सिंगल देखना है एक बार फिर डबल टच का फाउल क्योंकि पहले टच हो गया सी ते जज ने पाने की कोशिश की सी एक बार फिर नंबर मिलिया इस बार इटली नू 2-5 मुकाबला चलता होया बहुत ही वधिया और क्या जा रहा है कि मुकाबला बहुत ही वधिया मुकाबला होगा क्योंकि दोनों टीमों ने बड़ी वधिया तैयारी की है जिथे इटली के कोच अनिल कुमार शर्मा ने बड़ी तैयारी कराई अपनी देखरेख के अपनी टीम की उत्थे ही अमरीका भी पूरे बुलंद हौसलों के नाल आया तो उन्होंने हौसले इसे तो देखे जा सकते हैं जदों वह अंक लैके अपने अंकों की गिनती 6 करते हुए अपने खाते के वधांदे हुए अंकों नू वापस पुजे ने अपने पाले के मनजिंदर इटली वालों रेड के उत्ते 4 जाफी तैयार देखना है कि इन जाफिया के किस दे नाल अखा रलदिया ने किस दे नाल पैंदा है जफा जबकि तैयारी के इस वक्त जाफी जिस दे नाल भी मिल गया भिलण भिण दियां अखा पाएगा इस रेड नूं ते इस जफे जनरेटर नूं जफा ते पै गया जफा उस दा तीर दे नाल हुण देखना है कि इस बार तीर नूं कामयाबी मिलदी है कि नहीं तीर का कल बहुत ही मशहूर बगलां भरियां सन लेकिन बगलियां नूं छुड़ा के इटली दा खिलाड़ी इस दानू तीर्थ गाखल दे इस दानू बगला भरन दे इस दानू छुड़ा के अपने टीम दे विच वापस अंकां दा फर्क घटदा होया 4-6 ने इटली दे 6 दे अमरीका दे अमरीका वल्लों इस बार फिर मौला गया रेड दे उत्ते ते मौले नूं फकड़ना वाकई लुचा लंबा शरीर बहुत वधिया गबरू अमरीका दा ते एक अंक अपने खाते दे विच जोड़ के 7-4 करदा होया अमरीका नूं परमिंदर इटली वालों एक बार फिर रेड के उत्ते परमिंदर आहिस्ता आहिस्ता पग भरदा होया देखता होया किस दे नाल पैंदा जफा दूसरे पासे तैयार ने दर्शक सावधान दे होए कि देखना है कि किस दे नाल जफा पैंदा 4 जाफी इस वक्त तैयार देखना और देख रहे हैं कि कौन किस दे नाल किस नूं जफा पा के इस नूं परमिंदर नूं रोकने विच कामयाब जफा पै गया उहदा डोंटे नाल डोंटे डोंटे उस नूं रोकने विच कामयाब लेकिन डोंटे तां खुद ही गिर गया बहुत वधिया डॉज करता होया इटली का खिलाड़ी डोंटे नू बिल्कुल डॉज करके धरती से गिरा के ये अपने अंकों की गिनती नू वधांदा होया अंक हो गए 5 ते जबकि यूएसए ने 7-5 का सिर्फ 2 अंकों का फर्क ते इटली क्या यह भी जा रहा है कि इटली नाले यूएसए का मुकाबला बड़ा टफ मुकाबला होएगा कौन इस दे विचों जिद्दा है तो समा दसेगा कि लेकिन हाल की कड़ी अमरीका आ गई है तो अमरीका वालों एक बार फिर दुल्ला रेड दे उत्ते ते दुल्ले नू पकड़ना बहुत मुश्किल है अमरीका का दुल्ला बेशक जान पहचान इसकी अमरीका वालों होंदी है लेकिन भारतीय नस्ल का एक खिलाड़ी अपने आप दे विच बेशकीमती अपनी पहचान रखता है पूरे अमरीका दे विच दूसरे पास्यों करण इटली वालों रेड दे उत्ते 8-5 हो चुका है स्कोर जो स्कोर की गल करिए 8-5 यूएसए 8 इटली 5 ते एक बार फिर जफा पै गया उसका बिल्ले दे नाल बिल्ला देखना कामयाब हुंदा है कि नहीं लेकिन काफी देर तक रुकन दे विच कामयाब कैंची भी पाई लेकिन हंदे दूर नहीं सी ते हंदे बिल्कुल नजदीक ते इन्हां हंदियां ते पुजदे होया नंबर बिल्ले कोल लजांदा होया इटली दा खिलाड़ी अंकां दी गिनती करदा होया 6 यूएसए 8 बहुत ही खूबसूरत जॉनी अपने छाती से देख सकते हो आओ पिठ के उत्ते देख सकते हो उसके हरेक जगह देखे मोरनिया बहाइया हुई फंग बगाए हुए तो ये टैटू जड़े ने शरीर के उत्ते दसदा है कि उस नौजवान का कि शरीर टैटूआ वर्गा ही मजबूत है तो दूसरे पासे जफा पैंदा होया गुरप्रीत नाल लेकिन गुरप्रीत कामयाब नहीं होया उस दियां लत्तां नूं पकड़न दे विच ते ये अंक वध के आया यूएसए नूं योदा एक बार फिर रेट के उत्ते हुण इस बार जफा पै गया एक बार फिर देखना इस बार जाफी कामयाब हुंदा है कि नहीं तीर दे नाल जफा पै लेकिन तीर गाकल इस बार फिर नाकामयाब रहे ते अंक हो गए 7 इटली यूएसए नूं अंकां दी गिनती नूं वधांदे होए इटली दे खिलाड़ी लगातार क्योंकि नाकामयाबी मिल रही है जित्थों तक असीं जाफियां दी गल करिए अज उन्हां दे जाफे हुंदे नहीं लग रहे जिन्ने परसों पाकिस्तान दे विरुद्ध लग रहे सीगे लेकिन कोशिश यही है भी किसी तरह अंक बनाया जाए दूसरे पासे इटली दे 4 जाफी तैयार इस बार लत आ गई हथ दे विच कुलजीत मौले दे लेकिन कुलजीत मौले को छुड़ा के कुलजीत मौला अपने खाते दे विच अंक नू जोड़दा होया 10-7 दर्शक पूरी तरह उत्साह वधांदे हुए पहला मौका है रूपनगर दे इस शहर दे विच के इस तरह का कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई मैच रोपड़ दे नेहरू स्टेडियम दे विच हो रहा है ते दर्शक इसे लई पुजे हुए ने अज पूरा उत्साह वधा रहे ने इस ग्राउंड दे विच जोधा एक बार फिर
बंटे नाल पेड़ पिया सी, लेकिन उस तो पहला रेफरी ने कहा कि डबल टच हो चुका है, डबल टच दा फाउल। हालांकि डोंटे अपनी जगह सही सीगा, उसने पूरी तरह दा लगा लिया सीगा, उन्होंने पिट आ गई सी हाथ दे विच, लेकिन इस तो पहला उन्होंने डबल टच दा फाउल दे दिता गया। तो फिर अंक इटली के खाते दे विच, दुल्ला एक बार फिर रेड दे उते, देखना है दुल्ले नूं इस बार फड़न दे विच कामयाब हुंदे ने इटली दे खिलाड़ी कि नहीं। अनिल शर्मा द्वारा तैयार किए गए बड़े वधिया खिलाड़ी ने, कोच इन्हां दा अनिल शर्मा जिहड़े पिछली बार भी इन्हां दी टीम नूं लैके इस जगह ते आए सी, लेकिन दुल्ले नूं फड़न दे विच इह टीम कामयाब नहीं हो पा रही हले तक। दुल्ला अपने दुल्ले वाले हौसले दे नाल, बुलंद हौसलियां दे नाल नंबर लैके अपने खाते दे विच वधांदा होया अपनी टीम दे अंकां दी गिणती नूं करदा होया 11, जदकि इटली दे ने 8। ते इटली वल्लों इक वार फिर परमिंदर रेड दे उत्ते है। परमिंदर आहिस्ता आहिस्ता पग भरदा होया कभी सजे पासे ग्राउंड के, कभी खब्बे पासे ग्राउंड के दूसरे पासे। जदों कोई रेड पैंदी है तो दर्शक भी चुप छुपीते होके खड़ जाते हैं, देखने लग जाते हैं भी क्या है, लेकिन शेरू की इस वक्त पै गई है शेरू के नाल, बिले के नाल। देखना है कि बिल्ला इस बार कामयाब होंगे कि नहीं, क्योंकि पहला बिले को एक जाफी जफा नहीं सी पिया, रेडर चला गया से, लेकिन इस बार देखना है भी इस कामयाब होंगी कि नहीं। और फिर एक बार नौका को छुड़ा लिया है, हम तो मैंने देखना है कि परमिंदर, लेकिन उस तो पहला ही 30 सैकेंड का समा हो चुका है, इसलिए हालांकि खिलाड़ी चला गया सीगा, लेकिन रेफरी दी सीटी बज गई कि समा 30 सैकेंड का सी उस समापत। ते यूएसए का अंक 12 इटली दे 8, अंकों का फर्क फिर वधा होया 4। जॉनी रेड दे उत्ते मनिंदर जॉनी प्यार दे नाल जिसनूं जॉनी कहिंदे ने, मनिंदर सिंह गिल, देखना है जफा पै गया उसका। जिंदर दे नाल हरजिंदर दे नाल, लेकिन हरजिंदर उसनों रोकन दे विच कामयाब नहीं होया, ते हरजिंदर कोलों नंबर लैके वधदा होया यूएसए का एक खिडारी, ते ए अंक हो गए 13। हुण करन जल्या है इटली वालों रेट दे उत्ते, करन दी ये रेट देखना है कितना कामयाब होंदा है। आहिस्ता आहिस्ता वधदे होए ए अंक यूएसए दे 13 तक पुजे ने। डोंटे ने नाल पै गया पिछा, हुण डोंटे इसनों रोकन दे विच कामयाब होंदा कि नहीं, ए रैसलिंग दी तैयारी करते हुए कहा, लेकिन डोंटे फिर नाकामयाब। तो एक बार फिर इटली के अंक वधांदा होया, इटली के अंक हो गए 9 ते यूएसए 13। डोंटे ने कोशिश की थी रोकने की, दा भी किए थे, लेकिन नहीं रुकिया। कुलजीत मौला यूएसए वालों इस वक्त रेड के उत्ते बहुत ही वधिया, और खिडारी नूं उसने बाहर कर दिता, तो अंक मिलिया यूएसए नूं, क्योंकि इटली के खिलाड़ी का पैर सर्कल तो बाहर चला गया सी। सर्कल स्टाइल कबड्डी है, तो इस सर्कल दे विच रह के ही खेडी जाती है, और 1-1 है, एक नूं एक है, जबकि नैशनल ये हो गया जी पहला ड्रिंक्स इंटरवल। गल हो रही थी क्योंकि ये खेडी जाती है सर्कल दे विच, हालांकि नैशनल स्टाइल जो कबड्डी खेडी जाती है तो उस दे विच एक नूं सारे ही पैण दा हुंदा है, तो जिन्ने बंदे पकड़ते हैं अगर कोई हंदिया नूं टच कर लैंदा सारे आउट हो जाते हैं, लेकिन ये 1-1 है, एक नूं एक है, इस दे विच शक्ति देखी जाती है, टॉप पेच देखे जाते हैं, तकनीक देखी जाती है, दर्शकों का ठाठा मारदा समुद्र अज इत्थे यही देखने लिए पुज्या होया है भी किस तरह के नज़ारे आ रहे हैं। हालांकि पीटीसी नैटवर्क राही हज़ारां नहीं लखां नहीं करोड़ों दर्शक देश विदेश दे विच बैठे हुए अपनी टैलीविजन स्क्रीन दे उत्ते ए मैचां दा आनंद ले रहे हैं, लेकिन आस पास के इलाके के लोग स्टेडियम दे विच पुज के भी पूरा लुत्फ लै रहे हैं, पूरा आनंद ला रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी बार दूसरा पल्स विश्व कबड्डी कप करवाया जा रहा है, जिस दे विच इस वक्त पूरे संसार दीआं 14 टीमां हिस्सा लै रहीआं ने, ते अपने आप दे विच कैसी सरमौर बन के टीम उभरदी है इसका फैसला उदों होएगा जदों 20 तरीक नूं लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम दे विच होवेगा फाइनल मुकाबला। उस फाइनल दे विच कैसी टीम पुजेगी ते कैसी बनेगी वर्ल्ड दी चैंपियन, सैकंड पल्स वर्ल्ड कप कबड्डी, जिहड़ा 1 नवंबर नूं बठिंडे दे विचों बड़ी धूम धड़ाके दे नाल शुरू होया सी, अज रोपड़ दे विच उस दे बी ग्रुप दे 3 मैच करवाए जा रहे हैं। जिहड़ा पहला मैच जिस तरह अर्जेंटीना वर्सिज नॉर्वे होया सी, नॉर्वे ने जितया है, पाकिस्तान वर्सिज श्रीलंका वन साइडेड मुकाबला एक तरह होया सी, 71-8 दे नाल पाकिस्तान ने जित लिया सी, लेकिन यूएसए ते इटली का बड़ा फसदा होया है मुकाबला, हुण खेडिया जा रहा है इस वक्त नेहरू स्टेडियम रोपड़ के खूबसूरती दे नाल तैयार किया हुआ, रंग बिरंगी झंडियां झुलदियां हुई, दर्शकों का ठाठा मारदा समुद्र ये दसदा होया कि अज भी लोग उत्साहित ने कबड्डी वालों, अज भी मानते हैं कि पंजाब की माँ खेल है गेम कबड्डी। उस कबड्डी की शुरुआत ड्रिंग इंटरवल तो बाद करता होया जोधा, जोधा रेड के उत्ते, जोधा कोशिश दे, लेकिन इस तो पहला ही खिडारी अपने आप दे विच ही बाहर चला गया जोधा, ते अंक मिलिया अमरीका नूं, अमरीका दे अंकां दे विच
एक अंक होर जुड़ता होया, एक नंबर की होर बोतरी होंगी हुई, जबकि दुल्ला अमरीका वालों रेड के उत्ते 15-9 का हो चुकया है। ये स्कोर 15 है USA, इटली है 9। हम देखना है कि इस दे विचों केड़ा ले जाता, जबकि दुल्ले नूं पकड़न लई 4 रेड तैयार ते पिया मुकाबला होया पम्मे दे नाल, पम्मा पूरे वाले नाल। देखना है पम्मा इस दे विच कामयाब हुंदा है कि नहीं, लेकिन दुल्ले नूं पकड़ना बहुत मुश्किल है और ये अंक दुल्ला लजाण दे विच कामयाब होया। 16 अंक होए USA दे, 9 अंक ने इटली दे, ते ये दुल्ले दे अंकां दे विच अपने अंकां दे विच भी एक अंक होर जुड़ा होया। हरजिंदर देखना है कि मनजिंदर हम कामयाब हुंदा है कि नहीं, जबकि रेड दे उत्ते इटली वालों मनजिंदर दूसरे पासे चारों जाफी तैयार देखते हुए अपने दाव नूं बनांदे हुए, और दाव पै गया उसका मीक दे नाल, लेकिन मीक एक बार फिर नाकामयाब होया। मीक लत्ता पकड़न की कोशिश करते हैं, शायद हर बार समझते हैं लत्त पकड़ के मैं नंबर ले लेना है, लेकिन नहीं मिलता उन्होंने नंबर इस बार, क्योंकि काफ़ी होशियार हो चुके हैं बाकी दी टीमों के खिडारी भी, तो वो जानते हैं कि मीक ने किहड़ा दा खेलना है, तो नंबर दूसरे पासे एक बार फिर 10-16 जॉनी, जबकि इस वक्त रेड के उत्ते अमरीका वालों 16-10 का फर्क, तो उसका भेट पै गया, लत्त आ गई है जॉनी की हाथ के विच इटली के खिलाड़ी की। देखना है कि इस साबी के हाथ साबी देखना है कामयाब हों या मीक कामयाब हों, साबी ही लेकिन साबी आप ही सर्कल लाइन में टच कर गया, तो ये अंक मिल गया अमरीका को। हालांकि बुरी तरह फस चुके थे मीक, लेकिन क्योंकि उन्होंने दूसरे खिलाड़ी को आउट कर दिता, लाइनसमैन ने इशारा किया लाल फ्लैग उपर करके, और ये एक्शन रीप्ले राही दसया जाएगा कि नंबर किस वाल है। टैक्नीकल कमेटी का यह फैसला है होया कि यह दसया जाएगा भी ये अंक किस वाल जा रहा है। दूजे पासे दर्शक पूरी तरह नज़ारा लेंदे हुए रोपड़ के नेहरू स्टेडियम सो रीप्ले राही यह दसया जाएगा। तुसी देख सकते हो रीप्ले अपनी स्क्रीन के उत्ते देखा जाएगा कि रेफरी का यह इशारा सही सी कि सचमुच साबी सर्कल लाइन तो बाहर निकाल दिते गए सी, टच कर गए सी लाइन नूं, रीप्ले राही दिखाया जाएगा। हुण देखिया देख रहे हो तुसी अपनी स्क्रीन के उत्ते यह रीप्ले, और काफ़ी कोशिश के विच ने जॉनी, काफ़ी कोशिश के विच लगते भी ने जॉनी कि साबी नूं बाहर कर दिता जाए, और देखना है, और बिल्कुल जितों तक है सही फैसला है, और रेफरी का लग रहा सही फैसला है, क्योंकि साबी जिहड़ी सर्कल लाइन सी उस तो बाहर चले गए सी। रेफरी के इशारे की इंतजार, टैक्नीकल कमेटी के इशारे की इंतजार, नंबर देखना है किधर जाता है। एक बार फिर रीप्ले राही दसया जाएगा, क्योंकि साफ नहीं हुई कुछ गल नूं, ते टैक्नीकल कमेटी फैसला कर रही है। तुसी देख सकते हो रीप्ले के उत्ते फिर एक बार साबी जॉनी जिते कोशिश कर रहा है उसनों बाहर ले जाने की, साबी उसनों पकड़न दे विच कोशिश कर रहा है, और ये साड़ी कोशिश है रीप्ले राही देखा जाए कि की सचमुच उसनों बाहर लेके गया है कि नहीं। पर फिर देखते हुए कि ये इशारा किधर होंदा है, क्योंकि टेक्निकल कमेटी ने देखा और की फैसला लेंदी है टेक्निकल कमेटी, इस अंक किधर जाता है, क्योंकि एक एक अंक दोनों कीमतों दोनों टीमों बड़ा कीमती हो चुकया है, तो हुण देखना यह पवेगा कि एक अंक किधर जाता है, क्योंकि काफ़ी साफ हो चुकया सी इस रीप्ले राही कि दोनों ही खिडारियों ने जिथे जानी ने कोशिश की सी साबी नूं बाहर ले जाने की, उत्थे ही एक बार फिर रीप्ले राही असीं साफ करते हैं। ये साबी ने लत पकड़ी है जॉनी की, देखना है जानी उस दे विच कामयाब हुंदा है कि नहीं, उसनों ले जाने दे विच कामयाब हुंदी। दूसरे पासे टैक्नीकल कमेटी इस इंतजार दे विच देखती हुई नज़र दे उत्ते कि कौन है उसनों सही अंक किसनों दिता जाए, क्योंकि फैसला एक एक अंक दा होना है, एक एक अंक कीमती है, एक एक अंक का नज़ारा लेना है। तो टेक्निकल कमेटी फैसला लेंदी हुई, क्योंकि ऑब्जेक्शन हले भी ओवररूल नहीं होया। रेफरी ने इशारा किया कि अंक इटली दे खाते दे विच जावेगा, सो इटली दे अंकां दे विच एक अंक का इजाफा, क्योंकि साबी तो पहला टच कर गए थे अमरीका के खिलाड़ी
सर्कल लाइन तो बाहर। परमिंदर काफी जद्दोजहद तो बाद नंबर लैन तो बाद इटली दे परमिंदर इस वक्त रेड दे उत्ते ते इस वक्त देखना है कि कौन उन्होंने पकड़न दे विच कामयाब हुंदा है या नहीं हुंदा या अपने अंकां दे विच बढ़ोतरी करते ने देखना यह होएगा। और उन्होंने आज ताजा टच किया एक बार फिर डोंटे दे नाल होया मुकाबला डोंटे उसनों देख रोकड़ा लेकिन डोंटे को रुकेगा नहीं क्योंकि वो बड़े दाव पेच खेलते हैं और डोंटे ने इस बार दाव बनाने की कोशिश की और दूसरे पास ले जाने की कोशिश अंक देखना है डोंटे दे हाथ में लत्ता आ गया देखना है इस लत्ता को जाम करता है कि नहीं और इस बार डोंटे कामयाब थे कामयाबी मिली अमरीका को अंक उदाए डोंटे ने अपने अंक उदाए अमरीका दे बहुत ही वधिया जफा इस बार अगर देखा जाए तो काफी वधिया जफा पिया सी यूएसए 17 इटली 11 कुलजीत मौला लेकिन इस बार डबल टच का फाउल इस तो पहला कि उन्होंने उत्थे डकिया जाता रोकिया जाता दो खिलाड़ियों ने टच कर लिया सीगा ते ए अंक मिल गया इस बार फिर अमरीका नू अमरीका दे अंक हो गए 18 जबकि इटली देने 11 एक एक अंक दे लई जद्दोजहद करनी हुई दोनों टीमां करन आ गया है इस वक्त रेडियो ते ते कमेंट्री ते आ रहे ने जमा बहुत वधिया मुकाबला जिहड़ा इस वेले खेड मैदान दे विच खेडिया जा रहा है रूपनगर की धरती ते एक पासे इटली है और दूजे पासे यूएसए बहुत वधिया और इधर देख जावे इस वेले करण नू जफा लाया नौजवान गबरू जैरो ने और पॉइंट अमेरिका की टीम दे हिस्से पॉइंट यूएसए की टीम दे हिस्से कुलवीर सिंह ना है इस गबरू का यह नौजवान मेरे वीरो अमेरिका दे विच रहिंदा दुल्ला इस वेले कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया चार जाफी ने इस वेले इटली की टीम दे वेखदा भी किस खिडारी दे नाल मुकाबला होगा यह समा दसेगा दुल्ले ने कहिंदे गुरदासपुर की धरती दे भी दिल लुट्टण वाली गल करदी पर बहुत ही तकनीक दे नाल पॉइंट लगे वापस जांदा होया अपनी टीम दे लई दुल्ला लो दूजे पासे फिर इटली वल्लों पई हुई कबड्डी इस योधे नौजवान गबरू दी लो जैरो दे नाल फिर मुकाबला होया और पॉइंट इस वेले इटली की टीम दे हिस्से जुड़दा होया लो मनिंदर सिंह जॉनी इस वेले नौजवान गबरू पतली पतंगी है शरीर है और वेखदा भी पाउंदा होया कबड्डी और इटली की टीम के चार स्टॉपर ने जो इस वेले उडीक करते हैं वेखदा भी जॉनी किस खिडारी दे नाल मुकाबला करेगा यह मेरे वीरो समय की गल है लो पई हुई कबड्डी इस वेले खिडारी की लो उधर जॉनी का मुकाबला जिहड़ा इस वेले हरजिंदर दे नाल हो चुका और पॉइंट जिहड़ा इस वेले जॉनी के हिस्से जुड़ता होया पॉइंट यूएसए दे यूएसए 21 और इटली 12 का मुकाबला जिहड़ा इस वेले तुहाडे सामने लो अगली कबड्डी मनजिंदर धनवा इस वेले कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया इटली की टीम वल्लों चार जाफी तीरथ डांटे नाल मीक इस वेले वेखदा भी मुकाबला जिहड़ा इस वेले जाफी दे नाल अमेरिका दे जाफी दे नाल बिल्ले दे नाल हो चुका और पॉइंट इस वेले योधे दे हिस्से कुलजीत सिंह ना मौले दे नाल दे नाल प्रसिद्धि मिली इस खिडारी नू लो तुहाडे सामने अगली कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया मौला यूएसए का इस वेले कबड्डी कबड्डी करता होया उधर मुकाबला साफी दे नाल हो चुका पवित्र सिंह ना पर साफी इस वेले वेखदा भी पूरी कोशिश करता और मौला अपनी टीम दे लई पॉइंट लेके वापस जाता होया धर्मिंदर सिंह पिंदी अगली कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया नौजवान गबरू धर्मिंदर सिंह पिंदी मेरे वीरो आप देखना भी चार जाफी तीर्थ गाखड़ डांटे काले मूल का खिडारी इस वेले देखना भी अमेरिका की टीम वालों तगड़ा जफा लाउंदा होया और पॉइंट यूएसए का यूएसए 23 और इटली 30 और दुल्ला अगली कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया फिर गुंदिया होया शरीर इटली वर्सेस यूएसए दीआं टीमां दे दरमियान बहुत तगड़ा मुकाबला इस वेले खेड मैदान दे विच चलदा होया चार जाफी इटली की टीम दे हुण देखदा भी दुल्ले की पई हुई कबड्डी दे इस वेले मुकाबला जिहड़ा जाफी दे नाल हो चुका और देखदा भी दोनों खिडारियों की पूरी कोशिश है बल्ले बल्ले हो गई मित्रों एक पासे दुल्ला बहुत ही तकनीक दे नाल और देखदा भी उड़दा होया बाज हिक ते और देखदा भी इस वेले दुल्ला यूएसए की टीम दे लई पॉइंट लैके वापस जांदा होया चल भी करणजीत सिंह करण अगली कबड्डी पाउण दे लई इटली की टीम वल्लों वाधा होया इस वेले देखदा भी 13 पॉइंट ने इटली की टीम दे और यूएसए दे पॉइंट ने 24 बहुत वधिया मुकाबला दर्शक वीर बहुत ही वधिया ढंग दे नाल इस वेले मैच नू देखदे होए खेड मैदान दे विच और पॉइंट डांटे दे हिस्से पॉइंट यूएसए दी टीम दे हिस्से जुड़दा होया लो दूजे पासे फिर मनिंदर सिंह गिल जॉनी अगली कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया खेड मैदान दे विच और इटली दी टीम दे चार स्टॉपर इस वेले वेखदा भी किस स्टॉपर दे नाल मुकाबला होवेगा केड़ा खिडारी दा लावेगा इस नौजवान नू डकण दे लई
यह मेरे वीरो थोड़े समय बाद पता लग जाएगा। आओ फिर वेखदा भी इधर पई हुई कबड्डी और मुकाबला जरा सख्त हो चुका है गुरप्रीत और पॉइंट मनिंदर गिल के हिस्से जुड़ता हुआ जोधा डौले से खनवाया हुआ टैटू है और अज इन्हां खिडारियों को शौक पै गए ने। और उधर मुकाबला टंटे दे नाल पहले मैच दे विच लहरी खेडिया अज टंटे खेड रहा और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट इस वेले योधे ने अपनी टीम के हिस्से जुड़िया। कुलजीत सिंह मौला अगली कबड्डी पाउण दे लई वादा होया खेड मैदान की पई हुई अगली कबड्डी थोड़ा कच्चे ने उतां कीता और मुकाबला वेखदा भी किस खिडारी दे नाल होणा। वाह उधर सापी इधर कुलजीत सिंह मौला खूबसूरत पॉइंट लेके वापस जाता हुआ यूएसए की टीम दे ले। और दूजे पासे फिर इटली की टीम वालों वेखदिया भी इस वेले मनजिंदर धनोआ कबड्डी कबड्डी करता हुआ सामला रंग चार जाफी तजर्बेकार जाफी इटली 14 यूएसए 27 का मेरे वीरो जिहड़ा अंकड़ा तुहाडे सामने स्क्रीन पर तुसीं देख रहे हो और बहुत ही खूबसूरत मुकाबला जिहड़ा इस वेले रूपनगर की धरती पर इस तुसीं देख रहे हो खेड स्टेडियम दे विचो। और दुल्ला कुलवीर सिंह दुल्ला अगली कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया और वेखदा भी दुल्ले ने खिलारियां होईयां बाहां और चार जाफी सलाह करदे ने। उधर फिर वेखदा भी मुकाबला जिहड़ा याफी दे नाल हो चुका है परमजीत पुरेवाल दे नाल पम्मा पुरेवाल आखदे इस खिडारी नूं पर दुल्ला पॉइंट लैके वापस जांदा यूएसए की टीम दे लई पॉइंट। आओ नौजवान ने सोहनी खेड है इस खिडारी की वक्री खेड है इस खिडारी की और दर्शक प्यार करते हैं इस खिडारी नूं। और फिर वेखदा भी दूजे पासे परमिंदर सिंह पिंदरी इस वेले कबड्डी पाउंदा होया और बलविंदर सिंह बिल्ला बिल्ले दे नाल मुकाबला होया इस वेले और दूजे पासे पिंदरी ते एक पासे बिल्ला दोनों जाने पहचाने ना खेड कबड्डी दे और दोनों खिडारी इस वेले खेड मैदान दे विच भिड़दे होए और पॉइंट यूएसए की टीम दे बलविंदर सिंह बिल्ले दे हिस्से जा जुड़िया। और फिर अगली कबड्डी जोनी वालों पै चुकी इस वेले खेड मैदान दे विच मनिंदर सिंह गिल उर्फ जोनी तुहाडे सामने इस वेले अमेरिका की टीम वालों मेरे दर्शक वीरो कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया। इस खिडारी ने भी अपने शरीर ते वधिया टैटू खनवाए ने और वेखदा भी इस वेले पई हुई कबड्डी कदे कोई समां सी मेरे वीरो डौले ते मोरनियां खनवाईयां जांदियां सन पट्टां ते मोरनियां खनवाईयां जांदियां सन पर अज समां होर है अज टैटू खनवाए जांदे ने। आओ फिर उधर अगली कबड्डी करन अगली पाउण दे लई वाधा होया माइक ते साडे बहुत ही सत्कारयोग अरविंद कोछड़ जी करन इटली वालों वधिया कबड्डी का प्रदर्शन इटली दे 15 अंक यूएसए दे 30 अंक पहला हाफ मैदान दे विच खेडिया जा रहा है हजारां दी तादाद दे विच दर्शक इस मैच नूं देखण वास्ते अज रूपनगर जिले दे विच पहुंचे हैं। बहुत वधिया मुकाबला यूएसए का मौला बहुत वधिया धावी बहुत वधिया जफा भरन की कोशिश परमजीत पम्मे वालों लेकिन नंबर अंक वधिया यूएसए का बहुत ही वधिया खिडारी बहुत तेज खिडारी योधा बहुत तेज तरह बाज वर्गी चट डोंटे दे नाल तीर्थ काखल दे नाल हुई है हाथ जोड़ी लेकिन नंबर हो गया योधे का। और इस दे नाल हाफ टाइम की विसल वजी और अंकड़े वाल निगाह मारीए पहले हाफ दे विच इटली दे 16 अंक और यूएसए दे हन 31 अंक तो काफ़ी वड्डी लीड यूएसए वालों 17 इटली दे 17 और इस दे नाल ए आराम दे पल होणगे। अज दूसरा पल वर्ल्ड कबड्डी कप जो कि पंजाब खेड विभाग वालों पंजाब सरकार वालों सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जिन्हां दी रहनुमाई मिली हो मुख्यमंत्री पंजाब अज बहुत माण है सानू हाफ टाइम।